ऑफ बी इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बीएचयू यूनिवर्सिटी के बी इंग्लिश सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हियर आई हैव रिटन, यू कैन सी बी इंग्लिश सिलेबस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, सेमेस्टर फर्स्ट टू सेमेस्टर सिक्स, टोटल सेमेस्टर सिक्स दिए गए हैं आपके बी इंग्लिश सिलेबस में बीएचयू यूनिवर्सिटी के। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो दिस इज द पार्ट टू वीडियो ऑफ बी इंग्लिश बीएचयू। पार्ट वन वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। सो कोर कोर्स, कोर कोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टुडे वी विल नो अबाउट द सिलेबस ऑफ लैंग्वेज कोर्स एंड सॉफ्ट स्किल। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था सजेस्टेड रीडिंग फॉर कोर कोर्स। कोर कोर्स के लिए यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हैं, राइटर्स दिए गए हैं। सो यू कैन सी हियर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अल्बर्ट एंड कार्टर रोनाल्ड एंड जॉन एमसीआरई, द अर्ल्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश, कॉम्पटन रिकेट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है एंड राइटर इज डेविड डेचेस, ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड एल्टन ओलिवर अ सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फोर्ड बोरिस हैं द पेलिकन गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर। सो ये सभी बुक्स दी गई हैं आपके कोर कोर्स के लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे सिलेबस, तो उनके लिए कुछ बुक्स दी गई हैं, कुछ राइटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो यू कैन रीड ऑल दिस बुक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो नेक्स्ट इज़ फ्रेजर जी एस, द मॉडर्न राइटर एंड हिज वर्ल्ड। नेक्स्ट इज लॉन्ग डब्ल्यू जे, ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड नेक्स्ट इज राय वी, लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो सैमसन है, जॉर्ज ए कॉन्साइज, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देर आर सो मैनी बुक्स, सैंडर्स एंड्रयू, ए शॉर्ट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड सो मैनी आर देयर लाइक ट्रेवल एंड वॉकर। नेक्स्ट इज लिटरेरी टर्म्स, फॉर लिटरेरी टर्म्स यू शुड रीड अब्राहम्स एम एच, ए ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एंड यू कैन सी टेक द स्क्रीन शॉट, दे विल हेल्प यू। एंड बाल्डिक हैं, द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एंड ऑल्सो देर आर सो मैनी राइटर्स। एंड इन प्रोज यू शुड रीड अबाउट इन प्रोज बॉल्टन मार्जरी, एनाटॉमी ऑफ प्रोज, वॉकर हर्ब का इंग्लिश एस्से एंड एसेस्ट, हर्बर्ट इंग्लिश प्रोज स्टाइल। एंड इन पोइट्री देर आर सो मेनी राइटर्स लाइक बॉल्टन मार्जरी, एनाटॉमी ऑफ पोइट्री, बावरा सी एम, द रोमांटिक इमेजिनेशन, एंड सो मेनी आर देयर। सो टेक ए स्क्रीन शॉट, दैट विल बी हेल्प यू। नेक्स्ट इज हॉग ग्राहम, द लास्ट रोमांटिक्स एंड पोइट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द रोमांटिक पोएट्स, अगस्तन सटायर, नाइन कंटेम्प्रेरी पोएट्स, एंड ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, ये सभी इंग्लिश पोइट्री की बुक्स हैं। मॉरिशन ब्लेक, द मूवमेंट है, एंड सो मेनी आर देयर, ए हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्निज्म एंड आफ्टर, एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पोइट्री फ्रॉम 1890 टू हाई मॉडर्निज्म, एंड प्रिंसटन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक्स, सेलिंग इन टू द अननोन, इट्स इलियट एंड पाउंड, एंड सो मेनी आर देयर, यू कैन सी टेक द स्क्रीन शॉट। एंड नाउ वी केम ऑन ड्रामा, फॉर ड्रामा यू हैव टू स्टडी ट्रेविस एंड विलियम ओलिवर, मॉडर्न ड्रामा सीज इन क्रिटिसिज्म। सो ये ड्रामा के लिए बुक्स दी गई हैं, एंड राइटर्स हैं बॉल्टन मार्जरी का एनाटॉमी ऑफ ड्रामा, शेक्सपियरियन ट्रेजडी, ब्रैडले एसी राइटर हैं, रस्टिन रॉबर्ट के लिए द थिएटर ऑफ रिवॉल्ट एंड अप्रोच टू मॉडर्न ड्रामा, एंड शेक्सपियरियन कॉमेडी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा, द सिमियोटिक्स ऑफ थिएटर एंड ड्रामा, एंड एनाटॉमी ऑफ ड्रामा, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, 20th सेंचुरी ड्रामा, ब्रिटिश ड्रामा, द थियोरी ऑफ ब्रिटिश ड्रामा, ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो मेनी बुक्स आर फॉर ड्रामा, एंड यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एंगर एंड आफ्टर, एंड विलियम रेमंड्स का ड्रामा फॉर इब्सन टू ब्रिस्ट, एंड विलियम रेमंड्स का एक और बुक है इंग्लिश ड्रामा, फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा, विद कैथरीन जी रिवॉल्यूशन इज मॉडर्न ड्रामा, एंड नाउ वी केम ऑन फिक्सन। सो फॉर फिक्सन बुक्स आर द इंग्लिश नॉवेल, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, द रिटोरिक ऑफ फिक्सन, एनाटॉमी ऑफ नॉवेल, अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट, एंड डेविड टीचर्स की बुक है द नॉवेल एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो ये फिक्सन के लिए बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं, एंड अभी और भी हैं, लेट्स सी। द इंग्लिश नॉवल एंड इंट्रोडक्शन एंड द साइकोलॉजिकल नॉवल, 1900 से लेकर के 1950 के टाइम ड्यूरेशन को इसमें शो किया गया है,
And the next is the English novel form and function. Next is a reader's guide to great 20th century novels. And the next is the great tradition, the craft of fiction, the rise of novel. So many are there. And the English novel from Dickens to Lawrence. Ye bhi ek book hai. And now we came on forms of literature and practical criticism. So for this you should study theory of literature and literature and criticism, practical criticism. So many books are there for literature and practical criticism. And next is an introduction to the study of English literature, the best English, and understanding unseen, an introduction to English poetry and the English novel for overseas students. And an introduction to the study of literature. And next is how to write a critical appreciation, practical criticism, how to begin studying English literature. And now we came on literary criticism. For literary criticism, you should read Literary Theory, the Basics. Buttons ka hai ki. So let's see in literary criticism. Kitni books hain jo aapko study karne hain. So a history of English criticism, critical approaches to literature, English critical texts, and a history of literary criticism from Plato to the present. Next is an introduction to English criticism, literary criticism, the making of literature. And next is the literary critics, literary criticism, a short history, Vimset ka hai. And now we came on linguistics and the structure of English language. लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को के लिए आपकी जो बुक्स रीड करनी है दैट इज़ द बेसिक्स एंड लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन. यहाँ पे राइटर्स एंड बुक्स दिए गए हैं, सो टेक द स्क्रीन शॉट. नेक्स्ट इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ए वर्क बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स. नेक्स्ट बुक इज गिम्सन्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश. And next book is English Phonetics and Phonology, a practical course. And next is Pragmatics and Introduction. Let's check another books. Next is Grammar of the English Language. And next is Syntax. And now we came on English. And now we came on Indian English Literature. So next is Of Many Heroes and Indian Writing in English. Yahan pe writers diye gaye hain, unke books hain kuch. Let's see next. Next book is Modern Indian Poetry in English, an illustrated history of Indian literature in English. And next book is Mukherjee Meenakshi ka hai, Twist Born Fiction. Next is The Perishable Empire. And next is Naik M.K. and Shyamala N. Narayan ka hai, Indian English Literature. And next is A History of Indian English Literature. And next is Aspects of Indian Writing. And next book is Metaphor of Post-Colonialism. And now we came on American literature. You can see American literature. American literature ke liye so many books are there. Let's see achievements in American poetry from 1900 to 1959. And Bradley, Malcolm and Howard Temperley ka book hai Introduction to American Studies. And Bradley ka hai The American Tradition in Literature. Next book is A Critical Introduction to 20th Century American Drama. Next book is The Orient in American Transcendentalism. And next is Sphere History of American Literature to 1900. The Literature of the United States, next book hai. And the next book is The New Pelican Guide to English Literature, Volume 9. Next is Harvard Guide to Contemporary American Writing. Next is The Modern Novel in America, 1900 to 1950. Next is Studies in American Literature. Let's check another books. Literary History of the United States. American Literature, A Worldview and A Companion to 20th Century American Drama. So, ये सभी books थी for American Literature and कुछ writers दिए गए थे. And now we check on New Literature. New Literatures, for New Literatures, you have to study the books. Naipaul's Truth and Three Great African Novelists, Chinua Achebe, Wall Soyinka and Amos Tottola. And Writers of the Indian Diaspora, The Writing of East and Central Africa. And next is V.S. Naipaul. Next is Chinua Achebe, Study of His Novels, Misra Sudeska Hai, Preparing Faces. And next is
द अवॉकेंट कॉन्सियसनेस, एंड नेक्स्ट इज चिनो एचपे का एन एंथोलॉजी ऑफ रिसेंट क्रिटिसिज्म, एंड नेक्स्ट इज इन डायस्पोरा थियोरीज हिस्ट्रीज टेक्स पोस्ट कोलोनियल पोइट्री इन इंग्लिश, एंड नेक्स्ट इज मेटाफर ऑफ पोस्ट कोलोनियलिटी, एंड नेक्स्ट इज द नॉवेल्स ऑफ एचपे एंड निगवाई स्टडी इन डायलेक्ट्स ऑफ कमिटमेंट, ये बुक का नाम है. एंड नाउ वी केम ऑन लिटरेचर एंड एनवायरमेंट. फॉर लिटरेचर एंड एनवायरमेंट यू हैव टू स्टडी द इलस्ट्रेटेड लाइव्स इन द वाइल्डरनेस, थ्री क्लासिक इंडियन ऑटोबायोग्राफीज. कॉम्पटन रिकेंट आर्थर का है द रोमांटिक रिवाइवल इन अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड नाउ वी केम ऑन इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. फॉर दिस यू हैव टू स्टडी बुक्स आर देयर ट्रांसलेशन स्टडीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर. ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर 1911 to 1956, एंड ये था 1810 to 1910. सो देयर आर बुक्स. टेक स्क्रीन शॉट. नेक्स्ट इज ओरिएंट लॉन्गमैन, एंड नेक्स्ट बुक इज द आइडिया ऑफ एन इंडियन लिटरेचर, ए बुक ऑफ रीडिंग. नेक्स्ट बुक इज पोजिशंस एंड प्रीपोजिशंस, इंडियन लिटरेचर पोजिशंस एंड प्रीपोजिशन. यहाँ पे राइटर्स दिए गए हैं, इधर बुक्स हैं. एंड नाउ वी केम ऑन वीमेन राइटिंग. इन वीमेन राइटिंग यू हैव टू स्टडी इशूज इन कंटेम्प्रेरी इंडियन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म इन इंडिया, इसके बारे में दिया गया है, ये राइटर हैं. एंड नेक्स्ट वी केम ऑन, नेक्स्ट बुक इज भशीन कमला का है, व्हाट इज पेट्रियार्की एंड एक्सप्लोरिंग मैस्कुलिनिटी, एंड नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग जेंडर. नेक्स्ट बुक इज द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर वीमेन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया. नेक्स्ट बुक इज रिकास्टिंग वीमेन, एसेज इन इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री. एंड नाउ वी केम ऑन पार्टीशन फिक्शन. इन पार्टीशन फिक्शन यू हैव टू स्टडी द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस से लिया गया है ये. एंड नेक्स्ट बुक इज रूटीन वायलेंस, नेशंस फ्रैगमेंट्स हिस्ट्रीज. एंड यहाँ पे कुछ राइटर्स दिए गए हैं, एंड इनके बुक्स भी दिए गए हैं, सो टेक स्क्रीन शॉट. नेक्स्ट इज द ट्रामा एंड द ट्रम्फ, जेंडर एंड पार्टीशन इन ईस्टर्न इंडिया. एंड लेट्स चेक अनदर बुक्स. ए नैरेटिव ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स बाय मिश्रा सलील, एंड बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, वीमेंस इन इंडियाज पार्टीशन. यहाँ पे राइटर्स दिए गए हैं. एंड नाउ वी केम ऑन डिसेबिलिटी एंड लिटरेचर. सो इन डिसेबिलिटी एंड लिटरेचर यू हैव टू स्टडी इनफोर्सिंग नॉर्मेलिटी डिसेबिलिटी डिफनेस एंड द बॉडी. एंड नेक्स्ट बुक इज द डिसेबिलिटी स्टडीज रीडर. एंड नेक्स्ट बुक इज एवरीबडी इज डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग अवर रिएक्शंस टू डिसेबिलिटीज. नेक्स्ट बुक इज डिसेबिलिटी नेशनैलिटी स्पेशीज मेंबरशिप. एंड नेक्स्ट बुक इज हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी ट्रांस विलियम स्टीयर्स. लेट्स चेक अनदर बुक्स. सो नेक्स्ट फॉर गांधीयन थॉट इन इंडियन इंग्लिश नॉवल. सो फॉर गांधीयन थॉट इन इंडियन इंग्लिश नॉवल यू हैव टू स्टडी महात्मा गांधी द एसेंशियल राइटिंग्स एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. एंड नेक्स्ट बुक इज देयर आर सो मेनी बुक्स, सो टेक स्क्रीन शॉट. यहाँ पे भी कुछ बुक्स दिए गए हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, हिंद स्वराज, गांधीयन मिथ इन इंडो इंग्लिकन लिटरेचर, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर. यू कैन सी डिबेटिंग गांधी, हिंद स्वराज, एंड फॉर लिटरेचर एंड फिल्म. नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेचर एंड फिल्म. फॉर दिस यू हैव टू स्टडी बिगनिंग फिल्म स्टडीज, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर. सो ट्रेक इज स्क्रीन शॉट. एंड देर इज दलित लिटरेचर. फॉर दलित लिटरेचर यू हैव टू स्टडी द अनटचेबल्स इन इंडिया शिमला, कंप्लीट नेम इज बियॉन्ड द फोर वर्नास. नेक्स्ट इज टूअर्ड्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर. एंड नेक्स्ट बुक इज हेयर हिस्ट्री कंट्रोवर्सीज एंड कंसिडरेशन. सो टेक ए स्क्रीन शॉट. नेक्स्ट पॉइंट इज नैरेटिव फोक टेबल एंड शॉर्ट स्टोरी. फॉर दिस यू हैव टू स्टडी द शॉर्ट स्टोरी एंड द नेचर ऑफ नैरेटिव, द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, वॉट मेक्स अ शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट, मॉडर्न फिक्शन स्टडीज. सो मेनी बुक्स आर देयर, सो टेक इन स्क्रीन शॉट्स. कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, सॉरी नैरेटिव फिक्शन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड नैरेटिव लंडन. And so many books are there. So take a screenshot. And now we came on next point after core course. Next is English language. So in English language, there are 12 credits. So in semester 1, you have to study reading skills.
So the following items are prescribed for enhancing reading skill and the level of comprehension from ML Tikku and A. Subramaniam. So the book of nature, A Day's Wheat, and so many books are there. So let's see. In semester 2, you have to study reading skills. So in poetry and short story. In poetry, the following items are prescribed for enhancing reading skill and the level of comprehension from ML Tikku and A. Subramaniam. Current English for language skills, The Perfect Life, Coromandel, Fishers, Ozymandias, Night of the Scorpion. And in short stories, you have to study the following items are prescribed from M.M. Lucchesi. And so there are two gentlemen of Verona, The Refugees and The Axe and The Luck. So isse aapko study karna hai. And in semester 3rd, grammar and comprehension, the following items are from W.S. Allen. Living English structure. Let's check another. To and enough. Some and any tenses, conditions and unreal past, adverb, order, positions, reported speech. The following items are from F.T. Wood, Remedial English Grammar. So, yahan pe diye gaye hain articles, agreement of verb and subject, adjectives, active and passive voice, use of fairly and rather. Comprehension of unseen prose passages. So, ye sab aapke syllabus mein diye gaye hain. And in semester 4, you have to study writing skills. In writing skills, you have to study add to writing clauses, sentence, connectors, cohesion, rewriting of sentences. And letter writing, official and personal, precise, paragraph writing, essay, expansion, paraphrasing, punctuation. So, ye sab kuch aapke writing skills mein hai. And writing resume, e-writing. And in semester 5th, advanced communication skills. So, in this unit first, organs of speech, vowels and consonants, and unit 2, phonemics, transcription. And next is advanced English grammar, sequence of tenses, conditionals, transformation of sentences, changing degrees of comparison, sentence types, reported speech from W.S. Allen, living English structure. And unit 3, you have to see English in various situations. And in semester 6, advanced reading and writing skills. So unit 1st, unit 2nd and unit 3rd. So in unit 1st, vocabulary, word formation processes from Norman Lewis, word power made easy se liye gaye hain. And next, idioms and phrases bhi study karne hain aapko. And in unit 2, advanced comprehension of a prose passage consisting of about 300 words, authentic printed text may be used. And unit 3rd, you have to study completing a story, short composition. And yahan pe books diye gaye hain, suggested reading for English language course. So English language course ke liye books aapko study karne hain. English pronouns dictionary 15th edition. So yahan pe books diye gaye hain, take a screenshot for books. So you can see here, take a screenshot. You can see. And next is soft skill. So in soft skill, spoken English, 6 credits diye gaye hain aapke syllabus mein. And semester 1, so in semester 1, you have to study level 1, spoken English. So importance of spoken English, Indian and global context, native and non-native essence of English, and issue of intelligibility. And next point is aspects of English pronunciation, individual sounds, vowels and consonants. Next is phonemic transcription. Next is features of connected speech, word stress, rhythm and intonation. And next is fluency in spoken English, rate of speaking, volume of voice, pitch, articulation, clarity of expression, lack of hesitation, confidence, speaking politely in English, use of can, could, may, might, will, would, excuse me, sorry, thanks and please in expressing request, gratitude, compliments, agreement, disagreement. So these three points aapke diye gaye hain level 1 mein. In semester 2 mein level 2nd is spoken English, definition and functions of communication, types of communication, interpersonal, dyadic, group communication, mass communication. And next point aapko study karne hai, maxims of good conversation, characteristics of competent speaker, styles of speaking, interview and group discussion, and speaking with confidence, speech anxiety, ways to overcome speech anxiety, building credibility as a speaker, competence, character, charisma. So many are there points. And next is situational conversations, meeting people, greetings, introducing yourself, introducing people, saying thanks,
सो ये सब कुछ स्पोकन इंग्लिश में है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग फॉर सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश. सो यहाँ पे बुक्स दी गई हैं, राइटर्स हैं. सो टेक स्क्रीन शॉट. फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. तो यहाँ पे बुक्स दी गई हैं, राइटर्स हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश. सो दिस इज़ कम्प्लीटेड. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने बीए इंग्लिश सिलेबस को जाना बीएचयू यूनिवर्सिटी का. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक. सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अदर वीडियोस. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रीडिंग कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल. गॉड ब्लेस यू.